हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काकोटा केक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, आज है हमारे पास रियलमी की तरफ से रियलमी 7i एंड वीवो की तरफ से Y20। और आज हम देखेंगे दोनों में क्या कुछ मेन डिफरेंसेज है और कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो 7i आपको 464 12,000 का देखने को मिल जाता है और आपको Y20 464 13,000 का देखने को मिलेगा। दोस्तों में जो प्राइसिंग है लगभग सिमिलर ही देखने को मिलती है, ओनली यहाँ पर 1,000 का डिफरेंस है। और देखते हैं दोस्तों 7i में आपको क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पास 7i और बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें देखने को मिल जाता है एक मिनी बॉक्स, जहां पर दोस्तों में एक सिम इजेक्टर टूल एंड एक केस देखने को मिल जाता है जो कि आई थिंक काफ़ी बेटर क्वालिटी का केस है। उसके बाद दोस्तों हमारा स्मार्टफोन, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा 18W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं रियलमी का 18W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर और यहाँ पर 9W 2A आप देख भी सकते हैं। और हमें 7i में टाइप सी डाटा केबल देखने को मिल जाती है जिसकी जो लेंथ एंड जो क्वालिटी काफ़ी बेटर है। तो दोस्तों अभी मैं आपको स्मार्टफोन दिखा देता हूँ, आपको 7i की लुक कैसी देखने को मिल जाती है। तो ये दोस्तों हमारा रियलमी 7i, आप देख ही सकते हैं लुक कितनी यहाँ पर बेटर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ Y20 के आपको क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सेम हमें एक मिनी बॉक्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें दोस्तों मैक्सिमम इजेक्टर टूल एंड एक केस ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद है दोस्तों हमारा यहाँ पर मेन स्मार्टफोन, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा एक यहाँ पर एक 18W का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं 9V 2A, बट दोस्तों हमें यहाँ पर माइक्रो USB डाटा केबल देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर कोई भी टाइप सी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अभी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ Y20 की, आपको कैसी लुक देखने को मिल जाती है और जो हमें यहाँ पर बैक फिनिशिंग है वो कैसी देखने को मिल जाती है। वाओ दोस्तों, आप लुक देख ही सकते हैं Y20 की जो लुक है मुझे थोड़ी सी बेटर लगी रियलमी 7i से। जैसे कि आप देखेंगे जो यहाँ पर ग्लास की जो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग लाइट्स आप देख सकते हैं Y20 में बहुत ही बेटर लग रही है और रियलमी 7i की वैसे जो लुक है बहुत ही बेटर हमें मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 7i में आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जबकि आपको Y20 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। जबकि आपको 7i में बैक में क्वाड कैमरा सेटअप और यहाँ पर आपको Y20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर फ्रंट की जो लुक है मुझे बेटर लगती है 7i की, बिकॉज यहाँ पर आपको कॉर्नर में कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि आपको यहाँ पर Y20 में मिडल में कैमरा देखने को मिलेगा स्क्रीन पर। और दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट 7i में, जबकि आपको यहाँ पर माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट आपको Y20 में देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो बैक साइड की जो लुक है वो हमें थोड़ी सी बेटर Y20 की देखने को मिल जाती है, मगर आपको फ्रंट से जो लुक है यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगी रियलमी 7i की और बहुत ही आपको यहाँ पर लेटेस्ट डिजाइन 7i में फ्रंट साइड का देखने को मिल जाता है। दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले से, डिस्प्ले दोस्तों आपको कैसी मिलने वाली है। दोस्तों अभी मैं आपको 7i की डिस्प्ले दिखा देता हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं आपको 7i में जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है ये 98 का देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जबकि आपको Y20 में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 68 का पैनल देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 6.51 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले में कोई भी ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, हमें बस स्क्रीन रिफ्रेश रेट बेटर देखने को मिल जाता है यहाँ पर 7i में 98 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले की क्वालिटी है हमें ओवरऑल सेम ही देखने को मिलती है, डिस्प्ले में यहाँ पर कोई भी मेजर डिफरेंस दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बैक कैमरा सेटअप में हमें एक मेन डिफरेंस दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। Y20 में आपको मेन कैमरा जो है प्राइमरी कैमरा 13 MP 2MP डेप्थ कैमरा एंड 2MP आप पर आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि आपको रियलमी 7i में 64MP मेन कैमरा 8MP अल्ट्रा वाइड 2MP मैक्रो एंड 2MP डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको 7i में 16 MP का फ्रंट कैमरा, जबकि आपको Y20 में 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी मैं आपको वीडियो रेजोल्यूशन दिखा सकता हूँ, आप कितने FPS पर दोनों स्मार्टफोन्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप 1080p Y20 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि आप यहाँ पर 7i में भी 1080p पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। दोस्तों मैंने कुछ कैमरा शॉट्स लिए हैं वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्मार्टफोन्स के साथ फ्रंट कैमरा के साथ ये फोटो कैप्चर की है और यहाँ पर जो कलर्स है हमें 7i में बहुत ही बेटर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं क्लियरिटी की भी बात करता हूँ तो नो डाउट जो हमें क्लियरिटी 7i में फ्रंट कैमरे बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है।
दोस्तों आप ये क्लियरली डिफरेंस 8 मेगापिक्सल एंड 16 मेगापिक्सल का देख सकते हैं। दोस्तों ये मैंने दोनों स्मार्टफोन्स के साथ बैक कैमरा के साथ फोटो कैप्चर की है और यहाँ पर भी दोस्तों आप क्लियरली डिफरेंस देख ही सकते हैं। हमें जो क्लियरिटी है 7i में बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है और 7i दोस्तों आप यहाँ पर इतना ज़्यादा जूम कर सकते हैं जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नो डाउट जो मेरा कैमरा सेटअप है बहुत ही बेटर रियलमी 7i का देखने को मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों मैं फ्रंट कैमरा में सोनी IMX471 का सेंसर 7i में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स के परफॉर्मेंस, दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी मेजर डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स के। यहाँ पर आपको वीवो Y20 में स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जबकि आपको रियलमी 7i में स्नैपड्रैगन 662 का ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस में मेन डिफरेंस है और जो मेरे परफॉर्मेंस से बैटरी मिलने वाली है रियलमी 7i की। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यूजर एक्सपीरियंस, दोस्तों यूजर एक्सपीरियंस भी आप देख ही सकते हैं, आपको दोनों स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर फ्रंट टच OS 10.5 का सपोर्ट Y20 में देखने को मिलता है, जबकि आपको Realme 7i में Realme UI 1.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे दोनों स्मार्टफोन्स का जो UI है काफ़ी बेटर लगता है। वो दोस्तों आप यहाँ पर किसी मोबाइल शॉप पर जाकर आप दोनों स्मार्टफोन्स को चला के देख सकते हैं आपको कौन से स्मार्टफोन की जो UI है बहुत ही बेटर लगती है। और यहाँ पर दोस्तों जो मेरी बैटरी है वो दोनों स्मार्टफोन्स में सेम देखने को मिलती है 5000 mAh की, बट यहाँ पर दोस्तों हमें टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट 7i में देखने को मिल जाता है, जबकि आपको Y20 में सिंपल माइक्रो USB का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं दोनों स्मार्टफोन्स में 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 7i में आपको 188 ग्राम का वेट, जबकि आपको Y20 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। दोस्तों ये थे ओवरऑल फीचर्स दोनों स्मार्टफोन्स के। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 7i हर एक फीचर में बेटर है। अगर आप डिस्प्ले को देखते हैं, बैक कैमरा को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 7i बहुत ही बेटर है, जबकि मैं Y20 में जो लुक है एंड जो साइड फिंगरप्रिंट है बहुत ही बेटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है दोस्तों यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पर प्रोसेसर और 90Hz की डिस्प्ले। और यहाँ पर जो मैं प्राइजिंग है वो भी 1000 रीजनेबल देखने को मिल जाती है, कम देखने को मिल जाती है अगर आप कंपेयर करते हैं Y20 के प्राइजिंग से। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ आप रियलमी 7i मार्केट से परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन किसी भी पोर्टल से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये था ओवरऑल कंपेरिजन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।